26 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2015 को नीलम पार्क भोपाल में एक चेतावनी रैली एवं चेतावनी उपवास का आयोजन किया गया, जिसमें 35 जिलों के लोगों ने शामिल हुए और उसमें 3000 से अधिक लोगों ने भाग लिए, जिसमें मैं भी हूँ। एकता परिषद और कई जन संगठन ने मिलकर यह कार्यक्रम किए। यह कार्यक्रम इसलिए किया गया कि जो सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 का ये जो कानून लाए हैं, इसके विरोध में किया गया। यह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 कानून पारित होने से यहाँ के कहा जाता है कि कई करोड़ किसानों पे प्रभावित करेगा। किसान की भूमि माँ है और कोई भी किसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी माँ पर अतिक्रमण हो, उसे कोई छेड़े, और ये पार्लियामेंट में भी पास कर लेंगे तो इससे कोई होने जाने वाला नहीं है। हम तो उस विधा के लोग हैं कि सड़क पर कानून संसद तक बनाते हैं। जिस प्रकार की भी लड़ाई लड़ना पड़ेगी अपनी माँ को बचाने के लिए, जिस स्तर पे भी लड़ना पड़ेगी, पूरे देश का किसान को एकजुट करके लड़ाई लड़ी जाएगी। यहाँ ऐसे उपवास से क्या लगता है कि सरकार को कितना देखिए सरकार संवेदनहीन है। चार दिन में कोई निर्णायक बात सरकार से नहीं हो पा रही है, जिसका मतलब है कि सरकार संवेदनहीन है। और अभी तक जो भी निर्णय सरकार ने लिए हैं, अल्पकालिक केंद्रीय सरकार है, एक के बाद एक तमाम निर्णय किसान और मजदूर विरोधी है। मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ और पार्टी से और हमारे साथी भी आ चुके हैं और राजगढ़ की भी समस्या है। राजगढ़ अकेले की समस्या नहीं, पूरे मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। और जैसा अभी कंका जी ने और राजा जी ने कहा, हम लोग सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसान ने आवाज़ उठाई है, किसान ने कोई आंदोलन किया है, वो सफल। लेकिन इनकी लड़ाई तो राजनीतिज्ञों से भी है, क्योंकि राजनीतिक सोच से भी है, उससे आप कैसे अपने आप जो राजनीतिक सोच सही है हम उसका समर्थन करते हैं, जो राजनीतिक सोच गलत है उसका। यहाँ सब लोग किसान बनना चाहते हैं, लाखों लाखों लोग किसान बनना चाहते हैं, जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए जमीन के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को जमीन दीजिए और आज जो जमीन पर बसे हुए उनको मत उजाड़िए। ये बात करने के लिए 3 दिन से बैठे हैं और सरकार की ओर से खबर जरूर आए कि वे एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कि टास्क फोर्स के माध्यम से जमीन से जुड़े सब समस्याओं को हल करने का कोशिश करें। कितना लगता है क्योंकि वो तो एक तरफ लेने पे आम आता है जी? तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के विकास की धारणा है, अवधारणा है देश में, इस प्रकार के विकास के लिए जमीन लूटना जरूरी है, क्योंकि उद्योगपतियों को जमीन देके ही इस प्रकार का आडंबर खड़ा कर सकेंगे आप। इसलिए विकास की जो पूरी परिभाषा है उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिस समाज में इतने लोग गरीब हैं, इतने लोग गांव में परेशानी में हैं, इतने आदिवासी लोग विस्थापित हो रहे हैं, अगर इस विकास की प्रक्रिया को आप नहीं रोकेंगे तो इस देश में पलायन होगा, झुग्गी झोपड़ियों की संख्या बढ़ेगी, अशांति होगी। तो इस विकास के नाम पर भूमि अधिग्रहण करके आप आत्महत्या और हत्या के रास्ते पर लोगों को खदेड़ रहे हैं। यह वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि यह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 के कानून को सुनते ही गांव-गांव से लोग सड़क पर कैसे रैली एवं धरना उपवास करते हैं। मैं और कई करोड़ जनताओं किसानों ने यह चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि यह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 कानून इसे वापस किया जाए, इसे पारित न किया जाए। और यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि अपने शहर, अपने गांव और अपने मोहल्ले में यह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 का कानून का चर्चा करें और यह भूमि अधिग्रहण अध्यादेश कानून को वापस करने में मदद करें, इसे पारित न होने दें, इसे रोकने में मदद करें। मैं रामलाल बैगा, ग्राम तखतपुर, ब्लॉक करकेली, जिले उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ट के लिए।